नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ये खास कार्यक्रम शुभ राशि और आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मैं हूं आपके साथ आचार्य दीपा शर्मा। बात कर लेते हैं जल्दी से राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज जरूरी कार्य व्यापार शाम तक पूरा कर लेंगे आप, करने का प्रयास भी करना है आपको। साथ ही साथ साझेदारी में यानी कि पार्टनरशिप में सफलता आज के दिन मिलती दिखाई दे रही है। वृष राशि वालों के लिए सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा आज आपको। कामकाजी चर्चाओं में शामिल होंगे, कार्य व्यापार सामान्य से अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए शिक्षार्थियों के लिए यानी कि शिक्षक जो कि बच्चे विद्यार्थी और शिक्षार्थियों की बात करें तो प्रभावी समय उनके लिए स्पर्धा में बेहतर बने रहने के लिए आज थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। मनोरंजक यात्राएं भी आज आपकी हो सकती हैं। कर्क राशि वालों के लिए करियर व्यवसाय में ध्यान रहेगा आपका, कार्य व्यापार पर फोकस भी रखेंगे। योजनाओं में अति उत्साह से बचने की जरूरत है। सिंह राशि वालों के लिए पैतृक संपत्ति के लिए विवाद करना आज बेवकूफी साबित होगी। अपनी भावनाओं को थोड़ा नियंत्रित रखें, आज आपको शुभ समाचार मिल सकता है। कन्या राशि वालों के लिए बड़े व्यापारी निर्णय लेने में धैर्य बनाए रखें, नहीं तो धन की हानि हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का भी आज आपको विशेष ध्यान रखना है। तुला राशि वालों के लिए आज के दिन इधर उधर की बातों के बजाय सिर्फ काम पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। आर्थिक मामलों को लेकर थोड़ा सा गंभीर रहें। वृश्चिक राशि वालों के लिए तनाव से खुद को दूर रखें और जल्दबाजी में फैसले बिल्कुल भी ना लें। जीवन साथी या पार्टनर का भरोसा जीतकर काम करेंगे तो दिन बेहतर होगा। धनुराशि वालों के लिए आज के दिन सभी कार्य मन लगाकर करने होंगे। बदलते मौसम के कारण स्वास्थ्य कुछ नरम रह सकता है, घर में पौधे जरूर लगाएं। मकर राशि वालों के लिए अच्छे प्रदर्शन के चलते बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, लेकिन चिकनाई खाने के भोजन यानी भोजन से सेवन से आज आपको बचना है, थोड़ा सा दूर रहना है। कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक परेशानियों से बचने के लिए रास्ते खोजने होंगे। परिवार की मदद से आज आप राहत पा सकेंगे, अचानक पेट में दर्द हो सकता है। अंतिम राशि मीन राशि की बात कर लेते हैं। ग्रहों की स्थिति भाग्य को मजबूत कर रही है। आज के दिन मन को शांत रखें, सारे काम आज आपके बनते चले जाएंगे। ये था राशिफल 12 राशियों का और कल फिर आपसे मुलाकात करूंगी नए राशिफल के साथ, नए दिन के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपनों का और अपना ख्याल रखिए। जय माता की।